वसुधैव कुटुंबकम संस्कृत का ये शब्द आपने G20 पोस्टर्स पर लिखा जरूर देखा होगा। इस शब्द का मतलब है कि ये विश्व एक परिवार है। अब हम में से ज्यादातर लोगों को इस बात से कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन इस शब्द को लेकर चाइना ने अपनी आपत्ति जाहिर कर दी है। आप सोच रहे होंगे कि शब्द से किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। इस शब्द से तो G20 देशों को एक अच्छा संदेश जा रहा है। तो आपको बता दें कि चाइना को आपत्ति इस शब्द से नहीं बल्कि इसकी भाषा से है। दरअसल इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना ने भारत की अध्यक्षता में हुए अब तक के सभी G20 बैठक में इस शब्द का विरोध किया है। हालांकि G20 के अधिकतर देशों ने इस मामले पर भारत का पक्ष लिया। कुछ ने तो यहां तक कह दिया कि ये तय करना G20 की मेजबानी कर रहे देश का विशेष अधिकार है। लेकिन बावजूद इसके चीन इस संस्कृत शब्द के खिलाफ पूरी ताकत से विरोध कर रहा है। दरअसल चाइना का कहना है कि G20 के किसी भी डॉक्यूमेंट में भारत वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक संस्कृत शब्द है जो कि यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल लैंग्वेजेस में शामिल नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस में 6 लैंग्वेजेस को ऑफिशियल माना गया है, जिसमें अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश शामिल है। दरअसल चाइना की इनसिक्योरिटी भारत की ग्लोबल स्टेज पर बढ़ते कद और देश की ग्रोथ को भी दर्शाता है। जहां चाइना की जनसंख्या में गिरावट की रिपोर्ट आधिकारिक तौर पर आनी शुरू हो चुकी है, ऐसे में भारत का चीन से उसका मैन्युफैक्चरिंग हब का टाइटल छीने जाने की संभावनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। ओवरऑल देखा जाए तो चाइना के वसुधैव कुटुंबकम का विरोध करना उसकी इनसिक्योरिटीज को दर्शाता है। साथ ही भारत के बढ़ते ग्लोबल पावर और G20 प्रेसिडेंसी करने की वजह से भी चीन में इनसिक्योरिटीज बनी हुई हैं, जिसका असर हमें आने वाले G20 बैठकों में देखने को भी मिल सकता है। आपकी चाइना की इनसिक्योरिटीज और वसुधैव कुटुंबकम के विरोध को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे भी लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और देखते रहें जागरण बिजनेस।